बुखार के लिए कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे बुखार होते हैं बहुत सारी औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हैं, रह रह करके बुखार आता है, शरीर के अंदर बहुत ही टूटन होती है, बहुत ही जलन और दर्द होता है। उस स्थिति में भी आप इसके पत्तियों का काढ़ा बना करके आप सेवन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अगस्त के पौधे की यह पत्तियाँ, जैसे आप देखते हैं कि एक पत्ती के अंदर, यह जैसे एक पत्ती है तो इस पत्ती के अंदर बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, तो लगभग एक पत्ती को इस तरह से इसको डंठल को हटा करके इसको ले करके इसको कूट करके इसको पानी में उबाल लीजिए। दो तीन पत्ती तुलसी, एक दो दाने काली मिर्च, सर्दी हो तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, गर्मी हो तो कम लेना। उसको लेकर के आपको पानी में उबाल करके एक डेढ़ गिलास पानी में उबालिए, एक चौथाई बचे छान करके पीना है आपको। सुबह शाम आप नियमित रूप से पीजिए, कितना भी पुराना बुखार हो, किसी भी कारण से बुखार हो, इससे पेट भी साफ हो जाएगा और इससे अंदर की इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा, इससे बुखार भी उतर जाएगा और जो आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है उसमें भी इसे पूरा लाभ मिलेगा। और यह इनकी जो पत्तियां हैं वह जहर शामक भी है, जिनको यदि किसी ने कोई ऐसी चीज़ खा ली हो जिसकी वजह से धीरे धीरे शरीर के अंदर जहर का प्रभाव हो रहा हो, तो कुछ समय तक इसका काढ़ा बना करके नियमित रूप से पीने से वह परेशानी भी ठीक हो जाएगी और हमेशा के लिए आपका देह देदीप्यमान होगा, काया कांतिमान होगा। यह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है यह अगस्त का पौधा, अगस्त का फूल और अगस्त का यह वृक्ष। इसके अतिरिक्त क्योंकि अगस्त को बहुत शुभ माना गया है, तो जैसा कि मैंने कहा, घर की सुंदरता के साथ, घर की शोभा के साथ, इसके शुभ गुणों से अपने परिवार को आनंदमय शांतिमय आप कर सकते हैं। यह अत्यंत गुणों से भरपूर यह पौधा है, इसके गुणों के द्वारा आप लाभान्वित हो सकते हैं।